बोलो बोलो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का आत्मा जो पक्का होगा वो कितने जन्म लेगा? तो अंत तक कैसे उतरेगा है? तो अंत तक भी परम नाम से आते ही रहेगा। देवी देवता सनातन धर्म का पक्का होगा तो नहीं आएगा, अगर कच्चा होगा तो कन्वर्ट होने वाला होगा तो आएगा। हाँ अंत तक कच्चा होगा तो अंत तक भी आएगा, जो पक्का होगा वो आदि में आएगा। और पक्का देवता होगा या और धर्म का होगा? हाँ देवी देवता सनातन धर्म का एक होता है कच्चा और एक होता है पक्का। जो पक्का है उसे कहेंगे देवता, पक्का देवता, क्योंकि 84 जन्म लेने वाले को ही देवता कहा जाता है। अगर कम जन्म लिए तो खंडित देवता है या पंडित देवता है। लास्ट में आया तो देवता है ही नहीं, वो तो एक जन्म लेने वाली आत्मा है। सनातन धर्म का बिरादरी तो कह देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। 9 कुरियों में 9वीं कुरी का 10वीं कुरी का है तो आ जाते हैं। और बाबा पैसा स्वभाव संस्कार वाले आत्मा इसमें जा सकता है? पैसा स्वभाव संस्कार वाले आत्मा इसमें पक्का पक्का काम करो, कोई कच्चा काम न करो है? पक्की पक्की याद करो, अमृत वेला करो तो पक्का पक्का करो। एक दिन किया एक दिन नहीं किया तो कच्चा कहेंगे कि पक्का है? क्या कहेंगे? कच्चा हो गया। एक दिन थोड़ा याद किया एक दिन ज्यादा याद किया, एक दिन ऐसे ही थोड़े थोड़े सोते रहे थोड़े थोड़े लेटे रहे ऐसे याद किया तो कच्चा हो जाएगा। और शत्रु की राधा कृष्ण जब जन्म लेते हैं, जब शत्रु का आता है 36 के बाद में संबंध भी शुरू होता है? नहीं, शत्रु की राधा कृष्ण जो है वो तो शत्रु में जन्म लेंगे, लेकिन शत्रु की राधा कृष्ण को जन्म देने वाला पहले या शत्रु की राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो पहले है? देने वाला पहले। तो जो देने वाला पहले है वो तो बाप हो गया है, और वो बड़ा भी हो गया, तो उसका नाम पहले आएगा कि दूसरे का नाम पहले आएगा? इसलिए संगम युग में ही सतयुग शुरू हो जाता है। वो संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग शुरू होता है उसका नाम बाला है शास्त्रों में। सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। और जन्म तो सतयुग में ही होगा ना? स्थूल जन्म है? स्थूल जन्म तो सतयुग में ही होगा ना? असली जन्म माने नकली जन्म है, जो जन्म लेकर के आत्मा नीचे उतरने लगे वो असली स्थूल जन्म प्रत्यक्षता जन्म है। स्थूल जन्म के बाद में स्थूल जन्म, स्थूल जन्म, स्थूल जन्म। अच्छा माने स्थूल को ज्यादा महत्व देना चाहिए। स्थूल शरीर है और सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा है, तो ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? स्थूल को। अच्छा और किसी को भी किसको टोटी नहीं देता बोला भी है भक्ति मार्ग में।
चोटी के ब्राह्मणों को गुम कर दिया। गुम कर दिया जी, क्या इसका अंदर उसका अर्थ ये है, जो चोटी का पुरुषार्थ करने वाले हैं वो पुरुषार्थी हैं या परिपक्व हैं? पुरुषार्थी हैं तो वो तो उड़ जाएंगे, परिपक्व तो नहीं है। परिपक्व ट्रेंड हो जाए, पक्के हो जाए तो उन्हें कौन उड़ाएगा? इसलिए देवताओं को नहीं उड़ाया जाता है भक्ति मार्ग में। जब संपन्न स्टेज बनती है तो संपूर्णता का गायन होता है, उसके चित्र बनते हैं। अपूर्ण के चित्र थोड़े ही बनेंगे, अपूर्ण की पूजा थोड़े ही होगी। और बाबा एक मुरली में सुना है मुस्लिम लोग गेंदुम फल खाता नहीं है। है गेंदुम फल? हाँ मुस्लिम खाते नहीं है। हाँ मुस्लिम लोग गेंदुम फल खाते नहीं, इसका रस गेंदुम फल खाते नहीं है। है मुरली में आपने गलत सुना, ये कहा गया है कुरान में कि अल्लाह ताला ने आदम और हवा को ये ताकीद की कि तुम स्वर्ग में तब तक रहोगे, जन्नत में, जब तक तुम गंदुम फल नहीं खाओगे। अगर ये गंदुम फल खा लिया तो तुम नरक में गिर जाओगे। तो नरक में तो सारी दुनिया अभी गिरी हुई है। गंदुम फल कोई दूसरा नहीं है, ये गेहूं, उसी को गंदुम कहते हैं। वो इसमें इतनी गर्मी भरी हुई होती है कि काम विकार को प्रज्वलित कर देती है। इसका शेप जो है, इसका आकार भी ऐसा है जैसे स्त्री का अंग। तो उस फल को जो भोग करता है वो नीचे नरक में जाता है, दोजख में जाता है। ये अर्थ है। तो क्या बाबा वास्तव में गेहूं नहीं खाना चाहिए? है गेहूं पे नहीं तो पीछे बने हो, गेहूं पे तो आटा बन जाएगा। गेहूं नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? चावल खाओगे? मैं आंध्रा वालों की तरह फपकस हो जाऊंगी। गेहूं ना खाने से देवता कहे जाओगे? पैदाइश कैसी हुई है? पैदाइश कैसी हुई? गेहूं से हुई है क्या? दूसरे चावल से हुई है? अरे पैदाइश कैसी हुई है? पैदाइश तो गेहूं की हुई ना, तो जो जहाँ की पैदाइश है वो गुण कहाँ से चला जाएगा? तो भगवान ही आकर के पलटता है। अब भगवान आकर के हमको असली चावल की पैदाइश बना रहा है। बच्चे तुम्हारा जो देह अभिमान का छिलका है वो मैं उतार रहा हूँ। क्या चावल में देवान का छिलका उतर जाता है? अब वो तुम अपन को आत्मा समझो, तो टीका लगाते हैं ना, तो चावल को यहाँ रख देते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि अपन को भी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझो। ये आत्माओं का संग्रह यहाँ इकट्ठा रहना चाहिए। आत्मा के सिवाय कोई छिलका देवान का याद ना आए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हम आत्मा बन जाते हैं। जैसे सन्यासी है, सन्यासी पवित्र बनने का ढकोसला करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पवित्र रह पाते हैं। मन पवित्र होता है, मन विकारों से उपराम हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैदाइश ही उसी विकार से हुई है, गुमूत से। जब जिसकी पैदाइश ही गुमूत से हुई है वो कैसे पवित्र बन जाएगा? तो भगवान आकर के पवित्र बनाए तभी भले पवित्र बने। बाबा है
भगवान ने कहा है कि जब मैं यहाँ कब कहा है शास्त्रों ने कहा है शास्त्रों ने कहा अच्छा भगवान ने नहीं कहा शास्त्र ही मनुष्यों ने लिखा कहा गया कि मैं जब भी आऊँगा तो मैं किसी पतित से पतित शरीर पर आऊँगा फिर दादा लेखराज पर व्यवस्था कैसी तो धनाजी देखती थी आपने सही बात नहीं पढ़ी और सही बात सुनाई नहीं जहाँ जहाँ ये बात बोलते हैं वहाँ वहाँ बाप शब्द लगा होता है बाप कहते हैं अम्मा नहीं कहती कौन कहता है बाप कहते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आऊँगा वो पतित से पतित काम ही कांटे में आता हूँ तो कौन कहते हैं बाप ब्रह्मा के तन में अम्मा थी या बाप था तो अम्मा की तो बात ही छोड़ दो बाबा बारह के बाद बाबा गुप्त हो जाएंगे बोल के सुने हैं या सुने हैं तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई क्यों सुना तुमने लोग माया सभ्यता की बातें जो कैसे निकली है उनकी उन बातों के ऊपर मनन चिंतन लोगों का चलता है तो किसी ने सुना दिया कि बाबा बारह के बाद गुप्त हो जाएंगे तो क्या आपका पाठ गुप्त का नहीं होगा अभी गुप्त नहीं है अभी तो बाहर वाले के लिए गुप्त है लेकिन हम लोग के लिए तो बाहर वाले जो बुला के तुमने बैठाए और फिर वो चले गए उनको नहीं मजा आया तो उनको गुप्त है तभी तो अभी भी गुप्त है 2000 में ही अभ्यक्तवाणी में बोल दिया बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए 2000 में ही ऐसा हो गया और आगे चल गया और होता जाएगा 36 से पहले तो आप गुप्त नहीं होइएगा ना 36 से पहले बाप था ही नहीं 36 के बाद भी बाप कहाँ था 36 से पहले 36 के बाद बाप था पहले अच्छा 36 के बाद बाप था जी नहीं 36 जी जब बाद भी नहीं था पहले भी तुम्हारी दोनों बातें झूठी हो गई 76 2036 में था बाप से पहले पहले भी बाप नहीं था 36 के बाद भी बाप नहीं था तुम्हारे कान में किसने डाल दिया 36 के बाद में बाप था 36 के बाद में 36 के बाद में भी बाप नहीं था 2010 के बाद बाबा का गुप्त पाठ चलेगा बाबा तो क्यों दूसरों की बातें सुनते हो अपने पाठशाला के भाई जी तो बोले पाठशाला के भाई जी क्या भगवान हो गए तो तुम सबकी बातें क्यों सुनते रहते एक से सुनना तो अभिविचारी ज्ञान हुआ अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा कोई शक्ति से बोला शक्ति छीण हो जाएगी पैंसठ से बोला पैंसठ क्या बाप आने का बोला है ना मुरली ने क्या बोला हाँ जो जगदम्मा जो जगदम्मा के पास में बाप आया है बाप आया जगदम्बा में क्या बोला 91 जैसे मुरली 91 कहीं 65 कहीं क्या 36 क्या क्या बोला मुरली जो 91 में मुरली था जो ब्रह्म कुमारी का मैं आया था हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे ना उस समय में 65 में थे 91 में थे क्या बोल रहे वही ब्रह्मा बाप के लिए बोला होगा था उन लोगों लोग ने क्या ब्रह्मा बाप के लिए बोला होगा 65 में बोला होगा मुरली में 91 पेज की मुरली हम बोले थे बोल रहे 91 पेज की मुरली होती है कहीं 91 की मुरली में क्या बोला हरी भाई क्या बोला 65 के ब्रह्मा बाप के पास में ब्रह्मा बाप आया है 65 में ब्रह्मा बाप आया है ब्रह्मा के पास में भगवान आया है बोल हम लोग को बोला था उस समय वो वही बात यहाँ अभी दोनों हमें लग कहाँ से बैठ के बैठ गए अरे कोई समझ में आई बात किसी को है ये तो किसी को बात ही नहीं
2012 बालक गुप्त हुनुहुन्छ भनेर जुन हाम्रो तर भैया तस्दिक तस्दिक गरौ केही त सोध्दैछु बाबा अब क्या तुमने बुद्धू बना दिया बिचारों झुटी झुटी बातें सुना कर बोलो ना अब हामी क्लियर भएर बस्छौं बताए थे बाबा मैंने बताया पता ही नहीं चल रहा है माँ काली के पास आए तब बाबा गुप्ता हो जाएगा ना ना वैसा नहीं हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बाबा का गुप्त पाठ हम अभी तो दुनिया वाले के लिए बाबा गुप्त है लेकिन हम लोग के लिए तो गुप्त नहीं है हम लोग कौन तो हम लोग मतलब बाप को जो हम पहचाने हैं पहचाने और कल भूल जाए तो भूल कैसे जाएंगे वही तो बात है बाप की पहचान की तो सारी लड़ाई है आखिर में 8 रह जाएंगे और सब भूल जाएंगे और बाकी सब भूल जाएंगे भुला देगी माया ये काम पूरा करने के लिए माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया ये काम जरूर करना सबको बुढ़ावे में डाल दो आज में भी ऐसे हुआ था एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई और इन्होंने किसी ने सुना ही नहीं तो नेपाली में बोल दो क्या बोल रही है हाँ सवारी के सेवरी के जूठो राम ने क्यों खाया था सेवरी अच्छा सबरी के झूठे बेर राम ने क्यों खाए हमारे सामने रोटी दाल रखी हुई है हैं और हम खा रहे हैं है ना और खाते खाते छोड़ दिया खा करके और छोड़ दिया और जो कुछ बचा वो कुत्ते ने खा लिया तो कुत्ते ने झूठा खाया या सुच्चा खाया है झूठा खाया ना तो झूठा माने क्या यूज किया हुआ झूठा माने क्या दूसरे ने पहले ही यूज की लिया कर लिया वो यूज की हुई चीज फिर खा ली उसको कहते हैं झूठा खाया तो भगवान ने प्यार में आकर के झूठा खाया इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पतित को खाता है झूठों को खाता है या सच्चों को खाता है हैं पतित को खाता है या झूठ को खाता है या सच्चे को खाता है पावन को खाता है हैं पतित को खाता है तो सारी दुनिया में सब पतित हैं या पावन देवता भी है कोई सब पतित हैं सब एक दूसरे की गुंद गंध खाने वाले हैं कोई आंखों से खाते हैं कोई वाचा से खाते हैं कोई किस कर्मेंद्रिय से खाते हैं कोई किस कर्मेंद्रिय से खाते हैं सब झूठ खाने वाले सब हैं सारी दुनिया जब झूठ खाने वाली बन जाती है तो झूठ ही हो गई पतित हो गई झूठे बेर हो गए ऐसे झूठे बेरों को भगवान आकर के खाते हैं इसलिए कि ये पतित से पावन बन जाए मेरे संग के रंग में आकर ये मतलब है और बाबा आग लगी आकाश में झलझल पड़े अंगार संत न होते जगत में तो जल मरता ही संता का जब एटम बम ऐसे फटेंगे तो आकाश में आग जलेगी कि नहीं जलेगी
सारी दुनिया में जब एटम बम फटेंगे तो आग जलेगी या नहीं जलेगी? आकाश में आग ही आग बरसेगी कि नहीं बरसेगी? सूरज आग उगलेगा या पानी उगलेगा? आग ही आग उगलेगा। और क्या बोला आगे? संत न होते जगत में तो जल नहता ही। हाँ, संत माने सच्चे लोग। इस दुनिया में अगर सच्चे लोग न होते तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती। सच्चे लोग हैं तब तो भगवान को पहचानते हैं, सच्चाई को। जो सच्चा होगा वो सच्चाई को पहचानेगा या झूठा सच्चाई को पहचानेगा? जो सच्चा होता है वो भगवान को पहचानता है, वो ही संत है। वो संत भगवान को पहचान लेते हैं और भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो नई दुनिया बनी रहती है और पुरानी दुनिया सब खत्म हो जाती है। और राम से बड़ा है राम का नाम। तुमने भक्ति कब की है? अभी, अभी, अभी भक्ति मार्ग ज्यादा पकड़ा हुआ है, ज्ञान मार्ग पकड़ा हुआ है? भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में ही हो। लेकिन भक्ति मार्ग में जो बातें चलती है वो ज्ञान मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में नाम चलता है। क्या? और नाम कब होता है? काम करेगा तब नाम होगा कि बिना काम के नाम हो जाएगा? तो पकड़ना चाहिए काम को। काम को नहीं पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? नाम को पकड़ लेते हैं भक्ति मार्ग। ये गलती करते हैं। अरे भगवान ने क्या क्या काम किए जो उनका नाम सारी दुनिया ले रही है? वही काम जो बाप ने किए वही हम बच्चे भी करें। बच्चों को किसको फॉलो करना चाहिए? बाप को फॉलो करना चाहिए। जो बाप करे सो बच्चा करे। बाप का धंधा डॉक्टरी का है तो बच्चा डॉक्टरी अच्छी सीखेगा कि नहीं सीखेगा? है? बाप का काम है सारी दुनिया का कल्याण करना। तो हम बच्चों का भी काम है सारी दुनिया का कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण भी होगा और सारी दुनिया में हमारा नाम भी हो जाएगा। तो नाम रटने से कुछ नहीं होगा, क्या करने से होगा? भगवान ने क्या आके किया वो जानो। भगवान ने क्या काम किया वो काम को जानेंगे तो नाम अपने आप सरनाम हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में तो नाम पकड़ लेते हैं और ज्ञान मार्ग में हाँ भगवान आके काम सिखाते हैं, क्या काम करो और क्या काम न करो। क्या काम करने से तुम्हारी नाम बरी होगी, संसार में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, और क्या काम करने से तुम्हारा नाम गड्ढे में चला जाएगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति मार्ग में नाम जपते हैं और ज्ञान मार्ग में हम भगवान के कर्मों को याद करते हैं। क्या लवलाई बोलाई? क्या बोला? अरे क्या बोला इन्होंने, समझे नहीं। जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता, एक नाम होता है वही लवलाई बोलते हैं। क्या है भक्ति मार्ग का अर्थ बोल रही है? जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता है, एक नाम होता है वही लौ लगी रहती है। वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है। दुनिया गड्ढे में जा रही है। जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता है, एक नाम में लौ लगी है, वो भी गड्ढे में जा रहे हैं। हजारों साल से ऐसे ही होता चला आ रहा है। नाम की लौ लगने से कुछ होता नहीं है। सारी दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं हुआ नाम लेने से। नाम की बजाय काम को जानो, अच्छे अच्छे कामों की लौ लगाओ तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भगवान ने क्या काम किए जो दुनिया नरक से स्वर्ग बने, वो कामों को याद करो। और जंतर मंतर तो होते ही है झूठे। और ये मन रूपी घोड़ा
बड़े को कैसे कंट्रोल करना। वो झूठी गीता में भी यही बात बताई गई। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मन बहुत कंट्रोल से बाहर रहने वाला घोड़ा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चिग्रहते। ए अर्जुन, तू बार बार अभ्यास कर स्मृति का, तो स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। और इस जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया से वैराग ला। दुनिया कोई काम की नहीं, ये दुनिया के लोग कोई काम के नहीं। आज बड़ा प्यार करेंगे, कल धोखा दे देंगे, सिवाय एक भगवान के। और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो धोखेबाज ना हो। सारी दुनिया धोखेबाजों की है। इसलिए इस दुनिया से वैराग लाना और अच्छी तरह से अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, बार बार भूल जाना बार बार याद करना, बार बार भूल जाना बार बार याद करना। जब तक पाप कर्म उदय होते रहेंगे, तब तक माया हमको भुलाती रहेगी। इसलिए बार बार माया हमको भुलाए और बार बार हम याद करें। होते 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 आखिरी क्या होगा, हमारे सारे पाप कट जाएंगे और माया हार जाएगी और हम जीत जाएंगे, हमारी स्मृति पक्की हो जाएगी। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, दुनिया से हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, देह से मोह नष्ट हो जाएगा, अपनी देह से भी मोह नष्ट, इस देह के जो संबंधी हैं उन संबंधियों से भी मोह नष्ट, और दुनिया के जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं खाने पीने पहनने ओढ़ने के, उन पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। निद्रा जी को बता दिया, जब ज्ञान में बैठते हो, याद में बैठते हो, नींद आती है तो एक ड्रापर लेकर के बैठो, कड़ुए तेल का, सरसों के तेल का ड्रापर रख लो और आधा बूंद उंगली में लगाया, यूं लगा दिया एक हाथ में, दूसरी आंख में नहीं, फिर आधा घंटे के बाद फिर नींद आए, फिर दूसरी आंख में लगा दो, तब तक ये आंख ठंडी हो जाएगी, तो इस आंख से काम करते रहो, ये आंख मिचमिचाते रहो, ऐसे करते करते ढाई दो घंटा बीत जाएगा। नींद की बात बताई ना, आक्रमण तुम्हारे ऊपर नींद का आ रहा है ना, तो नींद भाग जाएगी। अब जो तुम्हारा कर्म भोग आ गया, उससे लड़ाई लड़ो, याद करो, वो तो बता दिया, बार बार याद आएगा आंख का दर्द, बार बार भगाओ, बाबा की याद करो। बाबा ने मुर्गी बोला है जास्ती खाना मत खाओ, भारी खाना मत खाओ, रात को खाने से भी नींद नहीं। बाबा के घर में खिचड़ी बनती है शाम को, क्या 1/3 दाल और 2/3 चावल, और उसको खूब अच्छी तरह घोट दो और खाओ, नींद आएगी नहीं, सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी, क्योंकि जल्दी पच जाएगा, पेट खाली हो जाएगा, पेट में चूहे लौटेंगे और आपने वो अपने आप उठ के बैठ जाओ। शाम को हमेशा खिचड़ी खाना चाहिए, मना हल्का खाना, फल फल आदि खा लो, खिचड़ी खा लो, और बस ओ।
जिनको देर हो रही है वो जा सकते हैं। खड़े होना, बातचीत नहीं करना। हाँ जी, सारी गजरी को पाटान में ले जा रहा था, काशी नदी से गुजर गई, इसके बाद वो देहात में राक्षस को हिरण्याक्ष, अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना। काम विकार की शुरुआत कौन से अंग से होती है? सोने की आंख दिखाई पड़ती है ना। जब काम विकार की शुरुआत होती है जिस आंख से, तो आंख सोने की दिखाई पड़ती है या लोहे की दिखाई पड़ती है? अरे कीमती मालूम पड़ती है। कैसी मालूम पड़ती है? अरे कीमती दिखाई पड़ती है। इससे ज्यादा दुनिया में प्यारी चीज और कोई भी नहीं है। उसको कहा जाता है हिरण्याक्ष भराता, सोने की आंख वाला भराता। और हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था या छोटा भाई? हैं? हाँ जी, लिफ्ट माने ऊंचा उठा के ले जाना। और गिफ्ट जब किसी को दी जाती है तो खुशी बढ़ती है, ऊंचा उठे या ना उठे, अल्पकाल की या दीर्घकाल की खुशी तो बढ़ेगी। और ये बताए बाबा कि जो पेपर होते हैं उनको है? जो पेपर आता है उसके अनुभव को लेकर। हाँ, तो पेपर आगे नहीं बढ़ाता है। जितने भी ज्यादा पेपर होंगे तो पेपर आगे बढ़ाएंगे या पीछे हटाएंगे? अनुभव बढ़ता है या घटता है? और है इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। है क्यों? गौमुख के द्वारा पढ़ाई पढ़ाने के लिए इंतजार करना पड़ेगी नहीं? और ऊंची चाड़ी चढ़नी पड़ेगी कि नीचे ही बैठे बैठे? क्यों? अरे गौमुख से पानी लेने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है या गंगोत्री से ही काम चल जाएगा? गंगोत्री से भी ऊपर चढ़ना पड़ता है, अभी तो गंगा भी नहीं उतरी है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में क्या होता है? और कान लंबी करके सुनो, हमें तो नहीं सुनाई पड़ता है। आप आगे आ जाइए, आगे वालों को तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता। प्रश्न छोटा लिखा करो, लंबा चौड़ा लिखने में, पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। हाँ जी, बी के आश्रम में इतना सुन पाया? देवियों को डूबने की शक्ति हो गई, देवियों को डूबने की शक्ति। हाँ हो गई। अरे देवियों की पूजा दो बार होती है साल में,
यह एक बार होती है, तो दो बार जब भक्ति मार्ग में पूजा होती है, दो बार डुबोया जाता है, तो यहाँ प्रैक्टिकल में नहीं होगा दो बार, एक बार बेसिक में होता है और एक बार एडवांस में, वो इंतजार कर रहा है। बाप की प्रत्यक्षता होती है, इतना समझ में आया, और क्या आगे पूछ रहे। हाँ जी, टाइम नहीं है, टाइम पीरियड है, के बाद है, पहले ये बता दो पहले। अरे भाई, सीधी सी बात है कि जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 6-7 वर्ष में इतना पतन हो गया कि 77 में डूबी जा शुरू कर दी या नहीं है? नहीं कर दी, तो कर दी। तो ऐसे ही यहाँ भी बाप जब तक प्रत्यक्ष है, साकार में दिखाई पड़ता है इन आँखों से, तब तक नहीं होगी, प्रभाव रहता है। और जैसे ही गुप्त हो गया, ऐसे ही शूटिंग भी जरूर हो जाएगी, फिर मान मर्तबा बढ़ेगा, पूजा बढ़ेगी, अति होगी भक्ति की, तो अति का अंत हो जाएगा। बात ये कि बेसिक की देवियों में ज्यादा ताकत है स्थाई रहने की, या एडवांस की देवियों में ज्यादा ताकत है स्थाई रहने की है? एडवांस की जो गोपियां कहो, देवियां कहो, उन्होंने डायरेक्ट ताकत ली है, और उन्होंने बेसिक वालों ने तो इनडायरेक्ट अम्मा से ली है, तो वो तो उनके लिए तो 7-8 वर्ष का पीरियड ही काफी था पतन होने के लिए। इनका है 2004 से, 2004 में शंकर का कार्यकाल दूसरी मूर्ति का समाप्त होता है और विष्णु का कार्यकाल शुरू होता है, तो ये है फाइनल। तीसरी मूर्ति के बाद फिर कोई फाइनल नहीं होगा। तो 2004 से लेकर के 10 तक कितने साल हुए? 7 साल। और 11 से लेकर 18 तक 8-7 है 15। बस ये दुगना टाइम है इनके लिए, ये दुगना टाइम पूरा होगा और चारों तरफ संसार में देवियों 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 की ही पूजा होने लगेगी। आखिरी इनमें छुपा रुस्तम बाद में खुले, बाद में जब खुलेगा तो झूठे की डूबी जा और सच्चाई को ऊपर कर दिया जाएगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जब बेसिक में 76 में 77 में डूबी जा शुरू हुई, तो दिल्ली में जमुना के कंठे पर हाहाकार और जय जयकार दोनों हुई या नहीं हुई है? दोनों हुई। ऐसे ही फिर बड़े रूप में होगा। और बाबा, बच्चे की पालना में माता गुणों में लगते हैं, तो सतयुग में माता गुणों में लगते हैं? सतयुग में वजन महसूस होगा, यहाँ तो वजन ढोना पड़ता है, वहाँ वजन ढोना पड़ेगा। गाय है, गाय बच्चा को जन्म देती है तो 2 साल तक 4 साल तक उसकी पालना करनी पड़ती है,
टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है? नहीं, बच्चा पैदा हुआ और तुरंत छोटे से बड़ा हुआ और उछलने लगा, वहां की तो बात ही न्यारी है। और नंबर बढ़िया मिलेगा बाप के पास, और कौन से प्राइज। सन 73 में जब पहला मेला हुआ था तो कहा था इस मेले की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी, स्थूल मेले की सजावट का, और जो चैतन्य चित्रों की सजावट करेंगे उसका इनाम बाप दादा देंगे। तीन इनाम मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मिले या नहीं मिले? चुप है, क्या मिले है? हाँ, तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई। ब्रह्मा का पाठ किसका, विष्णु का पाठ किसका, शंकर का पाठ किसका? तीन सीट फिक्स हुई हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो सन 76 का 73 का अनाउंसमेंट किया हुआ, 25 साल लग गए फाइनल होने में रिजल्ट को। ऐसे ये भी होगा। और बाबा, जिस आत्मा के पुरुष के संस्कार हैं, क्या घर परिवार के अंदर पुरुष के संस्कार प्रबल हैं, परंतु चोला माता का है, माने माता का चोला होते हुए भी सारे परिवार को कंट्रोल करने की कोशिश में रहती है, पुरुष के संस्कार हैं, तो शरीर का परिवर्तन चलते फिरते जीवन में होगा या बर्फ में ढकने के बाद होगा? बताओ कौन कौन क्या जवाब देगा है? चलते फिरते होगा। यह बर्फ में ढकने के बाद होगा है? अरे हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है वो अभी अभी नहीं हो रहा है। दुनिया में हार्मोन्स का परिवर्तन होता है या नहीं होता है? तो छोड़ जाओ, फिर दो चार दिन के बाद ले लेना। विचार करो कि आज की दुनिया में जिनका लिंग परिवर्तन हो जाता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं पहले, फिर लैंगिक परिवर्तन हो जाता है, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, प्राकृतिक रूप से भी होता है और डॉक्टर लोग भी कराते हैं दवाइयों से, दोनों तरीके से होता है। और यहां तो बाप आया हुआ है, लक्ष्य दे रहा है नर से क्या बनना है, नारायण बनना है। तो जो कन्याएं माताएं बल स्त्री चोले वाली है, परंतु
उनके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे और वो विनाश होने से पहले ही नर से नारायण बनने योग्य हो जाएंगे। खुशी आनी चाहिए या दुख आना चाहिए? है खुशी आनी चाहिए। विजय माला में जो पुरुष चोले वाले हैं और संस्कार स्त्री के हैं उनका स्त्री चोला बन जाएगा। नारी से क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे। तो उनको खुशी होगी या दुख होगा? है खुशी होगी, उनको दुख होगा। देवहान होगा तो दुख होगा, स्त्री चोले में दुख होता है, देवहान रहता है। भीम का लड़का घटोत्कच राक्षस था, फिर भी पांडवों का साथ दिया। क्यों? किसी के पास जवाब है? है बाप में ज्यादा ताकत होती है खून में या स्त्री में ज्यादा ताकत होती है? रचना में ज्यादा शक्ति होती है या रचयिता में ज्यादा शक्ति होती है? रचयिता में ज्यादा शक्ति होती है। तो भीम में पांडु का रक्त बहता था, पंडा बाप है, सुप्रीम सोल, उसका खून बह रहा था। ये संकल्पों का खून है, तो जिसमें सेठ संकल्पों का खून बहता है उसके बच्चे में भी सेठ संकल्पों का खून बहता है। पत्नी रूपी रचना बल नीच कुल से आती है, राक्षसी कुल से आती है, तो भी कंट्रोलर बदल जाने के कारण परिवर्तन हो जाता है। इसलिए राक्षस चोला होने के बावजूद भी पांडवों का साथ दिया, कौरवों का या यादवों का साथ नहीं दिया। बांधेली माताएं जो पति के बंधन में रह रही हैं, वो अंत में माउंट आबू पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी? यज्ञ के आदि में जो कन्याएं माताएं सात सात तालों के अंदर बंद करके बांधेली बनाई गई, वो सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने पर हिंदू मुसलमानों का खून खराबा होने के टाइम बाबा के पास पहुंच गई या नहीं पहुंच गई? है पहुंच गई। जैसा आदि में हुआ सुअंत में भी होगा। इसलिए निश्चिंत होकर अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, घर में लाए बेला नहीं फैलाना चाहिए, झगड़ा टंटा नहीं करना चाहिए, अच्छे से अमृत वेला सुहाला करना चाहिए। बाहर जाने दें तो ठीक, नहीं जाने दें कोई हर्जा नहीं, मन को कौन बांधेगा? सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ तन से होता है, धन से होता है, वाचा से होता है या मन से होता है?
मनसा शक्ति से ही अंत में सारे विश्व को संदेश मिलेगा। और ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है और याद से क्या प्राप्ति? ज्ञान से धन की प्राप्ति होगी, जन्म जन्मांतर धनवान बनेंगे। याद से हेल्थ बनेगी, बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, और याद से ज्ञान रतन अंत में स्वतः ही बुद्धि में समा जाएंगे, तो साहूकार भी बच जाएंगे। और जिसको याद 100% रहेगी, अंत में दिव्य गुणों उसमें स्वतः ही धारण हो जाएंगे, पक्का देवता बन जाएगा। मुक्ति जीवन की बात क्या? मुक्ति जीवन मुक्ति ज्ञान और ज्ञान से होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। याद से सिर्फ मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। विधर्मी आत्माएं ज्ञान गहराई से नहीं उठाती हैं, इसलिए सतयुग त्रेता में उनकी जो जीवन मुक्ति होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। माना जो मनके हैं वो तो आत्मरूपी मनके हैं, और ज्ञान माला में जो मनके हैं वो तो आत्मरूपी मनके हैं। आत्मरूपी मनके रुद्र माला में हैं, विजय माला में रुंड माला है, रुंड माने देह सहित हैं। सूत्र माने धागा, ज्ञान का धागा और याद का धागा, दो धागे मिलते हैं तब माला का सूत्र तैयार होता है। एक धागे से माला का सूत नहीं प्रयोग जाता है, दो धागे बटे जाते हैं, उनमें मणके पिरोए जाते हैं। हाँ जी, माला होती है तो नौ ग्रुप होते हैं, नौ ग्रुप होते हैं। हाँ, और माला में तो सब चंद्रवंशी, चंद्रवंशी होंगे, उनमें अंतर नहीं होगा। अगर अंतर नहीं होगा तो दाईं ओर बाईं ओर क्यों होंगे? फिर तो एक ही तरफ होना चाहिए। अगर अंतर नहीं होगा तो नीचे ऊपर क्यों होंगे? फिर तो सारे ही ऊपर होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। फिर है सूर्यवंशी नहीं होते हैं? सूर्यवंशी नहीं होते हैं तो क्या हुआ? चंद्रवंशी तो होते हैं। उन चंद्रवंशियों को और वंश वालों का संकरंग नहीं लगता है? अरे हाँ या ना तो करो। हाँ, रुद्रमाला के मणके नर से नारायण बनेंगे, विजयमाला के मणके नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ये अजूबा गरूबा दुनिया देख पाएगी क्या? हा? बोलो, देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी? देख पाएगी, क्यों नहीं देखेगी? नहीं देखेगी तो गायन कैसे होगा? और हर धर्म में माला क्यों घुमाई जाती है? माला हर धर्म में इस बात की यादगार है कि हर धर्म वाले माला रूपी संगठन को मानते हैं। अमरनाथ मंदिर में जो तोते जिंदा दिखाए गए हैं, शिव ने अमरनाथ कथा सुनाई, जिसको सुनकर के पार्वती जी सो गई। अभी पार्वती सो रही है या जग रही है? अभी भी सो रही है, अज्ञान नींद में सो रही है,
या स्थूल नींद में सो रही है, अज्ञान नींद में सो रही है, किसने सुला दिया? माया मौसी सुला के चली गई। तो पार्वती जी सो गई और तोते उत्तर देते गए, तो तोते उत्तर दे रहे कि नहीं दे रहे हैं बेसिक वालों को? हैं? दे रहे हैं? हैं? और वो तोते आज भी जिंदा हैं? जिंदा हैं कि मर गए? आज भी जिंदा है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? समझा कि नहीं समझा? अब किससे पूछे, नाम तो है नहीं। कुंभ का मेला 12 साल में लगता है, इसकी बेहद में शूटिंग कैसे होती है? मम्मा ने शरीर कब छोड़ा था? है 65 में। तो बड़ी गैदरिंग हुई कि नहीं हुई? कहां? माउंट आबू में शरीर नहीं छोड़ा था, उन्होंने शरीर छोड़ा था बंबई में। तो बड़ी ब्राह्मण परिवार में गैदरिंग हो गई, वहां भगवान था या सिर्फ नदियों का और मनुष्यों का मेला था? है, नदियों का मेला था। 75 के बाद सन 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ। कितने साल हो गए? 12 साल। ये 12 साल बीते फिर मेला हुआ, लेकिन ये मेला किसका हुआ? भूल गए? बड़े बड़े मेले मलाखड़े लगना शुरू हो गए। 73 से शुरू हुए थे और 76-77 में बहुत बड़ा मेला हुआ अहमदाबाद में। इतना बड़ा मेला हुआ कि वहां की आधी जेंट्री आ गई। 18 लाख में से 9 लाख ने जो देखा, तो मेला हुआ वहां भी। इसके बाद उन्नीस सौ नब्बे में फिर बड़ा मेला हुआ, वो भी नदियों का मेला होता है, उसमें भगवान बाप इकट्ठा नहीं होता। फिर उसके बाद 12 साल के बाद फिर हुआ, उसको क्या कहते हैं, मेगा प्रोग्राम। बड़े बड़े मेगे प्रोग्राम हुए हैं सारे शहरों में, कोई सबसे बड़ा भी हुआ होगा। पहले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ये शूटिंग भक्ति मार्ग में होती रहती है, ज्ञान मार्ग के अंदर। क्या बोला? आत्मा का परिवर्तन याद से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। याद जितनी करेंगे उतना आत्मा के पाप धुलेंगे और आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। ज्ञान की टाए टाए करने से कुछ भी नहीं होता है।
ज्ञान सुनाने वाले ढेर सारा ज्ञान सुनाते हैं, खुद धारण नहीं करते, तो परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ कहेंगे? नहीं। ज्ञान तो जल कहा जाता है, जल से ही धुलते हैं। जल से पाप नहीं धुलते हैं, याद से पाप धुलते हैं। पाप कटेश्वर याद से कहा जाता है। जल तो एक साधन है और क्यों दबेंगे बर्फ में? जब वो अपने संकल्पों को पुरुषार्थ से ही जाम कर लेंगे तो शरीर की नसों नाड़ियों में बहने वाला खून उनका जाम क्यों होगा? जो अपने संकल्पों को जाम करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, एक सेकंड में ऐसी पोजीशन हो जाए स्टॉप, स्टॉप बिंदु ही याद आए, दुनिया भूल जाए। चलते फिरते हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे उनके, उनको फिर बर्फ में दबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? नर नर जितने भी होंगे, हम तो मारे गए सब, सबके सब, हम तो नर हैं, हमें जबरदस्ती दबना ही पड़ेगा। नारियां छूट जाएंगी, जो नर नारी से पुरुष चोला धारण कर लेंगे। ऐसी पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? हाँ, नर से नारायण जैसी बन जाएंगी। क्यों नहीं दबना पड़ेगा? जो नर चोले हैं उनको दबना नहीं पड़ेगा? नर बन जाने से सारे पाप धुल जाते हैं और ही दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। अष्टदेव की बात अलग है, यहाँ तो स्त्री पुरुष की बात है। स्त्री अगर पुरुष चोला धारण कर ले तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, यह साधन हो जाएगी और ही मारामारी मचाएगी। है स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं, लेकिन बेचारी स्त्री चोला है ना, चौराहे पर जाके सो तो नहीं सकती है? चेंज हो जाएंगे तो पुरुष बन जाएंगी ना। बर्फ में तो सभी को दबना पड़ेगा, जिनके पाप पुरुषों के भी रह जाते हैं, पाप स्त्रियों के भी रह जाते हैं। क्या चोला बदलने से पाप धुल जाते हैं क्या? है ऐसा तो नहीं। अरे स्त्री चोले से अगर पुरुष चोला बन गया तो और ज्यादा पापाचारी हो गया कि पाप कम हो गए? फिर तो और ज्यादा दबना चाहिए उनको। दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ गई। अभी अभी चोला दुर्योधन दुशासन का नहीं है, पुरुष चोला नहीं है, स्वभाव संस्कार अंदर है, वो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि चोला ही स्त्री का है। स्त्री चोले को पुरुषों का संरक्षण चाहिए आज की दुनिया में, और जब पुरुष चोला बन जाएगा तो संरक्षण की दरकार है ही नहीं, मस्त चाहे जहां डोलो। नारी से नर बनने के बाद फिर नारायण बनने के बाद फिर थोड़ी दबना पड़ेगा।
नरक को थोड़े ही नारायण कहा जाता है। नर बन जाए तो नारायण हो गया, नारायण बनने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा। अरे ना हाँ ना हाँ चलो अभी तो बोला था कि बिना धोते ही नारायण बन जाएंगे, बिना बिना दबे ही नारायण बन जाएंगे, बिना दबे ही नारायण बन जाएंगे। कौन ये कहाँ बोला, ये बोला क्या? नारी से जो नर बनेंगे वो नर बनने के लिए उन्हें कोई सजा खाने की जरूरत नहीं है। हार्मोन्स चेंज होंगे और नारी से नर बन जाएंगे। उसके लिए सजा खाने की बात नहीं। हाँ, नर बन जाने के बाद फिर दुर्योधन दुशासन बन जाएंगे, फिर सजा खावेंगे। आई मुसीबत। टाइम तो हो गया, चलो।